इंग्लैंड कहने को तो दुनिया के नक्शे पर बसा एक देश है, लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए इंग्लैंड भावनाओं का समंदर है। इंग्लैंड ही वो जगह थी जहां कपिल देव ने पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी। इंग्लैंड ही वो जगह थी जहां गांगुली ने टी शर्ट उतारी थी। इंग्लैंड ही वो जगह थी जहां सेमीफाइनल में मिली हार ने पूरे देश की आंखें नम कर दी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड से क्रिकेट प्रेमियों की बहुत सी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। फिलहाल एक बार फिर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनलिस्ट के रूप में इंग्लैंड में मौजूद है और भारत के पास 2013 के बाद पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सुनहरा मौका है। साल 2013 में भी भारत ने सबकी उम्मीदों के उलट प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी। अगर 2011 विश्व कप जीत ने करोड़ों आंखों के ख्वाब पूरा किए थे तो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी उससे कम नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के 8 साल पूरे होने की खुशी में नारा टीवी आपके लिए लाया है एक खास पेशकश, जहां हम आज से 8 साल पहले हुई चैंपियंस ट्रॉफी के हर मैच में घटे बेहतरीन प्रदर्शनों और अनोखी घटनाओं की यादें ताजा करेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है नारा टीवी की खास पेशकश रिवाइंड चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के पहले एपिसोड में। दोस्तों, क्रिकेट की शक्ल 2008 में आईपीएल शुरू होने के बाद से ही बदलना शुरू हो गई थी, लेकिन 2011 के बाद क्रिकेट ने अपना रंग भी बदलना शुरू किया था। अब हर देश धीरे धीरे अपनी लीग को कामयाब करने पर ध्यान दे रहा था, जिसके कारण आईसीसी टूर्नामेंटों को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सभी की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि 2013 के जून महीने में इंग्लैंड की जमीन पर होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट इस तरह का आखिरी टूर्नामेंट होगा। उस दौर की सभी 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी जीत ख्वाब लिए इंग्लैंड पहुंची, लेकिन भारतीय टीम के लिए चुनौती इससे कहीं बड़ी थी। इस टूर्नामेंट से करीब 1 महीने पहले ही आईपीएल में फिक्सिंग के चलते श्रीसंत जैसे बड़े खिलाड़ी को जेल जाना पड़ा था। बहुत से अन्य खिलाड़ी भी शक के घेरे में थे। उसके ऊपर से सहवाग और गंभीर के बाद भारतीय टीम अच्छी ओपनिंग जोड़ी को तरस रही थी। हालांकि इन सब परेशानियों के बावजूद अच्छी खबर ये थी कि कोहली, रोहित, धवन, कार्तिक और धोनी सभी खिलाड़ी फॉर्म में थे, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत ने अपने दोनों प्रैक्टिस मैच जीत लिए, जिसमें दिनेश कार्तिक के बल्ले से निकले 2 शतक बहुत खास थे। लेकिन सवाल अभी ये था कि क्या ओपनिंग में धवन के साथ दिनेश कार्तिक आएंगे, या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक जूझ रहे रोहित शर्मा अब ओपनिंग करेंगे। बहुत से अनसुलझे सवाल और जीत की उम्मीद के लिए भारत ने 6 जून 2013 को अपने अभियान की शुरुआत की। आज से ठीक 8 साल पहले खेले गए उस मुकाबले में कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में भारत के सामने सबकी फेवरेट साउथ अफ्रीका टीम थी। उस समय साउथ अफ्रीका टीम अपने पूरे रंग में थी। बल्लेबाजी में हाशिम अमला, डिविलियर्स, डुप्लेसिस, ड्यूमनी और डेविड मिलर जैसे नाम थे, तो गेंदबाजी में मॉर्केल, मैकलेरन और सोसोबे की तिकड़ी थी। ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन में अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। धोनी ने रोहित शर्मा की शॉर्ट पिच गेंदबाजी को अच्छे से खेलने की प्रतिभा पर भरोसा जताते हुए रोहित को धवन के साथ ओपनिंग के लिए उतारा। जब रोहित धवन के साथ ओपनिंग पर आए तो सबने कहा कि रोहित के लिए टीम में बने रहने का ये आखिरी मौका है, लेकिन रोहित ने उस रोज तमाम दबाव और सवालों को भूलकर शानदार बल्लेबाजी की। रोहित ने पावर प्ले का फायदा उठाते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को हावी नहीं होने दिया। जब भी कोई अफ्रीकी गेंदबाज रोहित को बाउंसर से डराना चाहता तो रोहित पुलिया हुक शॉट मारकर गेंद को बाउंड्री के पार भेज देते। जहां एक ओर रोहित चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर धवन दबे कदमों से रन बनाए जा रहे थे। देखते ही देखते दोनों ने शतकीय साझेदारी पूरी की, जो कि 2009 के बाद विदेशी धरती पर भारत के लिए सलामी जोड़ी की पहली शतकीय साझेदारी थी। ये साझेदारी 22वें ओवर में 127 के स्कोर पर रोहित शर्मा का विकेट गिरने से टूटी, लेकिन रोहित के बाद बल्लेबाजी करने आए कोहली ने रन बनाना जारी रखा। उधर धवन ने तेजी से रन बनाते हुए अपना पहला एकदिवसीय शतक भी पूरा कर लिया। अब भारत धीरे धीरे बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, तभी 210 के स्कोर पर कोहली 31 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद धवन, कार्तिक और रैना के विकेट भी अंतराल पर गिरते गए। भारतीय पारी लड़खड़ा रही थी कि जडेजा ने पहले धोनी और बाद में अश्विन के साथ मिलकर स्कोर को 331 तक पहुंचाया। धवन के 114 रनों के अलावा रोहित के 65 और जडेजा के तेज 47 रनों का इस बड़े स्कोर में खास योगदान था। साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 332 रन बनाने थे और भारत को जीत से शुरुआत करने के लिए 331 रन बचाने थे।
दोस्तों आमतौर पर पहली पारी में 325 से अधिक रन बन जाने के बाद मैच एक तरफा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अमला और इंग्रम की साउथ अफ्रीकी सलामी जोड़ी अटैक करने के मूड में ही उतरी थी, मगर पहले भुवनेश्वर कुमार ने इंग्रम को और फिर उमेश यादव ने अमला को आउट कर अफ्रीकी टीम के लिए परेशानी और बढ़ा दी। अब क्रीज पर मिस्टर 360 यानी डिविलियर्स के साथ पिंच हिटर रॉबिन पीटरसन थे। 31 रन पर 2 विकेट खोने के बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों ने आक्रमण नहीं रोका। खासकर पीटरसन बिना जोखिम उठाए तेजी से रन बना रहे थे। 24वें ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर करीब 150 रन था। भारतीय गेंदबाजी भी कुछ कारगर नहीं लग रही थी कि तभी सर जडेजा ने अपना कमाल दिखाया। इस बार जडेजा ने शानदार फील्डिंग के दम पर पीटरसन को रन आउट किया और भारत को बड़ी सफलता दिलाई। तीसरे विकेट के लिए जुड़े तेज 121 रन अफ्रीका को मैच में वापस ले आए थे, लेकिन 182 के स्कोर पर 6 रन के अंदर ही अफ्रीका के 3 विकेट गिर गए, जिनमें डिविलियर्स और मिलर के बड़े विकेट भी शामिल थे। यहां से प्लेसिस ने कुछ दौर मैक्लेरन के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका की उम्मीद बनाए रखी, लेकिन जैसे ही डुप्लेसिस 238 के स्कोर पर आउट हुए वैसे ही भारत की जीत पर मुहर लग गई। हालांकि मैक्लेरन ने एक तरफ से रन बनाना जारी रखा, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बिल्कुल भी मदद नहीं मिली और भारत ने मैच 26 रनों से जीत लिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से पीटरसन ने 68, डिविलियर्स ने 70 और मैक्लेरन ने 71 रन जरूर बनाए, लेकिन अश्विन, जडेजा, ईशांत, यादव और भुवनेश्वर ने एकजुट होकर अफ्रीकी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इस तरह ने भारत ने जीत के साथ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत की। दोस्तों 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में अफ्रीका के विरुद्ध पहले मैच में जीत के बाद भारत के सामने दूसरी चुनौती किस टीम की थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि रिवाइंड चैंपियंस ट्रॉफी 2013 सीरीज का पहला एपिसोड कैसा लगा। जल्द ही मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारा टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारा टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।